रेशम कीट पालने की विधि को सेरीकल्चर कहा जाता है। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि यह वाताकिनी ट्रेकिया से श्वसन करता है। इनमें से कॉकरोच में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र नहीं पाया जाता। घोंघा मुलस्क परिवार से संबंधित होते हैं। इनमें से हेलियोटिक मुलस्क से संबंधित होते हैं। ऑक्टोपस मृदु कवची होते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी कार्डेटा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कीवी पक्षी रीढ़ की हड्डी वाले यानी वर्टिब्रेट होते हैं। होमोडंट पाए जाते हैं तो वह मछली में पाया जाता है। इनमें से पाइप फिश मछली नहीं है। फ्लाइंग फिश एक मीन यानी मछली होता है। अश्वमीन एक प्रकार की मछली होती है। इनमें से सॉलेमन मछली होता है। सबसे जहरीली मछली फफर मछली होता है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग करने वाली कीटभक्षी मछली गैम्बुशिया को कहते हैं। मछली गलफड़े से सांस लेती है। आसुत जल में मछली जीवित क्यों नहीं रह सकती क्योंकि प्राशन के द्वारा मछली के शरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देता है। एम्फीबिया यानी उभयचर जल और थल दोनों पर ही रह सकते हैं। इनमें से मेढक त्वचा से सांस लेता है। वर्णकी लवक की उपस्थिति के कारण गिरकिट रंग बदलती है। एलिपीडी नाजा कोबरा का वैज्ञानिक नाम होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा होता है। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। आर्कियोप्टेरिक्स एक प्रकार का जुरासिक युग का पुरातन पक्षी था। इनमें से चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आते। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। सबसे छोटा पक्षी इनमें से गुंजन पक्षी है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी हमिंगबर्ड है। विश्व का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी हमिंगबर्ड है। स्रिंग्स वाक्यंत्र पक्षी में पाया जाता है। पक्षी भी बदलती हुई वातावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है।